गाइस आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। यार कभी भी जिंदगी में ना अपनी ताकत और बलबूते के जोर पर किसी भी गरीब आदमी के साथ ज्यादती मत करना, बिकॉज वो गरीब आदमी आपसे डायरेक्टली बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन इनडायरेक्टली वो जब खुदा के सामने आपकी शिकायत करेगा ना, तो यकीन मानो उसके नतीज क्या हो सकते हैं आपके साथ। इस बात को मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वो खुदा की ताकत क्या कुछ कर सकती है। तो गाइस एक शख्स होता है, गरीब आदमी होता है, उसके घर में उसके बच्चे भूखे होते हैं। तो घर के पास ही एक नदी होती है, वो नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। तो कुछ टाइम वो मछलियां पकड़ने में लगा देता, कुछ मछलियां उसके हाथ में आ जाती हैं, वो मछलियां पकड़ के वो घर की तरफ रवाना ही हो रहा होता है, तो ऊपर से एक जागीरदार आ जाता है। ओहदेदार आकर कहता है कि ये मछलियां मुझे दे दो। वो गरीब आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, उससे फरियाद करने लगा कि भाई साहब, जागीरदार साहब, ये मछलियाँ मुझे घर लेके जाने दो, ये मछलियाँ मैं घर पर लेके जाऊँगा तो अपने बच्चों को खिला दूँगा, उनका पेट भर जाएगा, नहीं तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओहदेदार उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता। ओहदेदार कहता कि मुझे नहीं पता भाई, ये मछलियाँ मुझे दे दो। मछली उससे छीनता है, ओहदेदार मछली छीन कर चेक करता कि मछली किस तरह की है, ताज़ा है, फ्रेश है या बड़ी है, छोटी है। जब वो चेक करने के लिए अपना हाथ चॉपर में डालता है तो एक मछली का दांत बाहर होता है, तो वो मछली का दांत उसकी इस अंगुली में लग जाता है। तो वो मछली घर पर लेके आता है, घर पर लेके आकर मछली को भूनता है, भून कर खा लेता है, खाने के बाद सो जाता है। सोता है तो आधी रात को ये उंगुली का दर्द उसका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उंगुली का दर्द बढ़ते जाता है, वो दर्द उसको बेचैन कर रहा है। तो सुबह होते ही वो डॉक्टर के पास चले जाता है। डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब, ये मेरी उंगुली में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, कोई मुझे मेडिसिन दे दें, कुछ इलाज कर दें इसका। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद मेडिसिन देता है, मेडिसिन वो घर लेके आता है, मेडिसिन खाता है, एक दिन पूरा मेडिसिन खाता, फिर भी दर्द में उसको रिलीफ नहीं मिलता, दर्द में उसको आराम नहीं आता। वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कहता है कि डॉक्टर साहब, इंतहाई किस्म का दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द मेरी जान ले लेगा, तो प्लीज़ इसका कोई हल करो। डॉक्टर फिर से पूरा हाथ का मुआयना करता, मुआयना करने के बाद देखता है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि भाई, आपका अगर ये पूरा हाथ बचाना है ना, पूरा ये पंजा बचाना है, तो उसके लिए आपको ये आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। वो कहता कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी उंगली नहीं कटवा सकता डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको। वो कहता कि भाई साहब, अगर आप उंगली नहीं कटवाएंगे तो इससे हो सकता है कि आपका पूरा बाजू काटना पड़ जाए, तो आपको उंगली कटवानी ज़रूरी है। तो वो फिर जैसे तैसे करके राज़ी हो जाता उसकी बात पर, डॉक्टर उसकी उंगली काट देता, थोड़ी सी मेडिसिन लेकर घर आ जाता। घर आने के बाद एक दिन पूरे उसका आराम रहता, अगले दिन उसका ये पूरा हाथ दर्द करने लगता है, ये वाला। जब हाथ दर्द करने लगता है तो उसकी दर्द इंतहाई शदीद किस्म की होती है, पहले उंगली की दर्द, उसके बाद पूरा हाथ के दर्द, हाथ की दर्द तो ज़्यादा ही होगी ना, एरिया ज़्यादा। तो उसको वो दर्द सुकून से बैठने ना दे, उसको चेन लेने ना दे। डॉक्टर टेस्ट उस करता है, टेस्ट करके दवाई देता है, दवाई दे के घर चले जाता है। एक दिन पूरी दवाई खाता, अगले दिन फिर आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब, ये हाथ का दर्द कम नहीं हो रहा, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। डॉक्टर उससे कहने लगा कि भाई, मैंने तेरे हाथ का मुआयना कर लिया, तेरा हाथ काटना पड़ेगा। वो कहता कि नहीं नहीं भाई, मैं तो अपना हाथ नहीं कटवा सकता, खुदा के लिए, हाथ कटेगा तो मैं कमाई कैसे करूँगा, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने हाथ ना कटवाया, ये जहर आपके हाथ से बाजू पर जा सकता है, बाजू से पूरी बॉडी पर फैल सकता है, इसीलिए आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो वो फिर आमादा हो जाता है हाथ कटवाने पर, वो हाथ कटवा देता है। हाथ कट जाने के बाद वो मेडिसिन लेके घर पर आ जाता है, घर पर आकर फिर वही रूटीन, अगले दिन फिर दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे उसको सुकून ना आए, अब उसका पूरे बाजू में दर्द होने लगी, दर्द इतनी शिद्दत से बढ़ गई कि वो चीखे मारने लगा, क्योंकि जहर उसका फैलता जा रहा था। जहर फैलते फैलते उसके पहले उंगली कट गई, फिर हाथ कट गया, फिर अब बाजू से वो उसकी जान जाने वाली थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को पहले पता था कि अब इसका बाजू भी कटेगा, तो डॉक्टर उससे कहने लगा कि बाजू कटेगा, तो वो चीखे मारने लगा कि मैं, मेरा बाजू कट गया तो मैं तो क्या करूँगा फिर, मैं तो किसी काम का नहीं रह जाऊँगा। डॉक्टर कहता है कि अगर आपका बाजू ना काटा गया तो आपकी जान भी जा सकती है, जहर इतना फैल चुका है कि उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो वो आमादा हो जाता है बाजू कटवाने, बाजू भी उसका कट जाता है। बाजू कटने के बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद वो बाहर आता है, बाहर आता तो एक बुज़ुर्ग शख्स उसको मिलता है। वो कहता कि ओहदेदार, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा बाजू कैसे कट गया। वो शख्स कहने लगा कि बस क्या करूं, अल्लाह की तरफ से ये अजाब आ गया मुझ पर, पता नहीं क्या हो गया, बाजू कट गया। तो वो बुज़ुर्ग शख्स उससे कहने लगा कि तुम्हारे हाथ से
किसी मजलूम के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई? तो वो अहदेदार सोचने लगता है। जब वो सोचने लगता है तो उसके दिमाग में इतनी ज़्यादतियाँ घूमती है कि वो सोचता कि उसके साथ भी किया था, उसके साथ भी किया था, लास्ट टाइम किसके साथ किया था। फिर उसको याद आता है कि उसने एक गरीब आदमी की इसरार करने के बाद भी उसके हाथ से मछली छीन ली। मछली छीन कर आया था तो उस मछली ने मेरे हाथ पर काटा था। तो वो उस बुज़ुर्ग शख्स से तो खुदा हाफिज़ कहकर दौड़कर उस मछली वाले के पास आता। मछली वाले से कहता कि भाई साहब, मैंने तेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। पहले तो मछली वाला उसको पहचानता नहीं है। मछली वाला कहता कि अरे भाई, कौन हो तुम? तुमने कोई ऐसी ज़्यादती कर ली मेरे साथ? वो कहने लगा कि भाई, मैं वही हूँ जो लास्ट टाइम तुमसे तुम्हारी मछली छीन कर लेके गया था। वो शख्स कहने लगा, ओ तुम ओहदेदार हो, तुमने अपना ये क्या होलिया बना रखा, तुम्हारा बाजू कैसे कट गया? तो वो ओहदेदार कहने लगा, मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादती की थी उसकी सजा में अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा बाजू छीन लिया, ताकि वास्ते भाई मुझे माफ़ कर दो। वो मछली वाला शख्स उससे कहता है कि या अल्लाह, तू भी इसे माफ़ कर दे, मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देता है, पर किसी के साथ ज्यादती करके, किसी का हक मार के, किसी की जायदाद छीन कर, आप चाहते हो कि अल्लाह आपको सुकून दे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल मैन। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।